Assalamu alaikum. Welcome to another vlog. Murtaza here from Salam from Vancouver. तो अभी मेरी जो है ना vlogging slow हुई हुई है काफी. Vlogging से मुराद content तो मैं बना रहा हूँ, अपलोडिंग स्लो हुई है क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा जो आईफोन है उससे डेटा मैं कंप्यूटर पे ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूँ. लतीफा सुनते तो पाकिस्तानी कॉमेडियन थे, एक बहुत ही मशहूर आतर शाह खान साहब, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी उनको जन्नत नसीब करें, मगफरत करें उनकी. तो उनका एक जोक है, एक दफ़ा जो है वो कहने लगे कि वो गंजे थे तो कहने लगे मुझे कोजैक का रोल करने को मिला एक पंजाबी फिल्म में, और कहने लगे कि सीन कुछ ऐसा था, पहला सीन था, कह रहा छोड़ दी मैंने उसके बाद, जो पहला सीन था, पहला सीन ये था कि मैं दरख्त के पास जाके खड़ा और सोच में घूमूँ और पीछे से हीरोइन चलती हुई आएंगी और वो प्यार से मेरे सर पे चपत ठापी जिसे कहते हैं पंजाबी में, तो एक चपत लगाएंगी ठापी और मुझसे बोलेंगी अड़िया तू वैत, अरे तुम यहाँ, ये पूछे. तो कहने लगे कि मैं सीन के लिए रेडी हो गया, मैं खड़ा हुआ हूँ, अब मैं वेट कर रहा हूँ, पोज कर रहा हूँ सोच में और वेट कर रहा हूँ कि जी एक ठापी पड़ेगी और आवाज़ आएगी अड़िया तू वैत. कहने में वेट कर, फिर थोड़ी देर बाद एक ठापी पड़ी सर, कहने मगर कोई आवाज़ नहीं आई अड़िया तू वैत, कहने में चुप करता हूँ. फिर एक और ठापी पड़ी थोड़ी ज़ोर से, फिर भी आवाज़ नहीं आई अड़िया तू वैत. फिर तो कहने लगे जी ज़ोर से ठापी पड़ी और फिर ठापियों की बारिश हो गई सर पे, तड़ा तड़ चपातियाँ पड़ी. मैंने चिल्ला के गर्दन घुमा के देखा तो सारा फिल्म का क्रू खड़ा हुआ लाइन लगा के सर पे ठापियाँ लगा, फिर मज़े आ गए जी, गंजा आदमी आया उसके सर पे ठापी. तो बहुत ही स्लो ट्रांसफ़र, यानी मुझे एक वीडियो ट्रांसफ़र करने में दो दो दिन लग जाते. तो जैसे ठापियों की बारिश हो रही थी वैसे मैंने कंटेंट की बारिश कर दी, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो कोई आवाज़ नहीं आई अड़े हाथ वैत. तो अब क्या किया जाए? तो अब मैंने सोचा कि एप्पल स्टोर जाके ना उनसे पूछा जाए कि क्या सिचुएशन है, कुछ मदद हो सकती है. क्योंकि ऑनलाइन मैंने रिसर्च की तो उन्होंने कहा जी आपको तो मैकबुक लेना पड़ेगा जो $2,500 का है. तो एप्पल स्टोर की फिर सिचुएशन बताते हैं आपको. तो डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता, कभी चार चार दिन लग जाते हैं ट्रांसफ़र करने के. गूगल फ़ोटोज़ में लगाया, एप्पल में लगाया, गूगल फ़ोटोज़ में लगाया, आई क्लाउड में लगाया, मगर आवाज़ नहीं आई कि अड़े हाथ हुआ थे, यानी अपलोड नहीं हुआ. मैं एप्पल स्टोर आया था फ़ोन चेक कराने, उन्होंने फ़ोन चेक किया, सब चीज़ें चेक की, फिर उन्होंने बोला कि जी आपकी सब चीज़ें सही हैं, आपका जो है वो USB 2.0 की वजह से है, अपना कंप्यूटर अपग्रेड कर लें
USB-C पे आ जाएं या मैक ले लें, क्योंकि मैक में वो कह रहे थे कि कोई एक एप्लीकेशन है इमेज कैप्चर, उससे बहुत फास्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। वीडियोस देखी, थोड़ी रिसर्च की, तो पता चला कि एक सोल्यूशन है, अगर वो ट्राई कर लूँ तो तकरीबन $300 लगेंगे और एप्पल बुक नहीं ख़रीदना पड़ेगा, मैकबुक, तो सेव $2000। ओके जी, तो दोबारा गए थे तो चीज़ें ख़रीदी हैं, तो अब घर जाके सोल्यूशन ट्राई करेंगे, चल गया तो फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है, कैसे $2000 बचा है। तो कह रहे थे कि ये जो है आप डायरेक्ट फ़ोन में कनेक्ट हो जाती है और फ़ोन में रिकग्नाइज हो जाएगी, तो आप इस पे डेटा ट्रांसफ़र कर लें। लेकिन इसमें जो है मुझे केबल चाहिए लाइटनिंग टू USB-C, बिकॉज ये USB-C कनेक्टर, लाइटनिंग टू USB-C, और फिर हमको चाहिए केबल USB-C टू USB-A जो कंप्यूटर में जाए, यानी हार्ड ड्राइव से कंप्यूटर में, फ़ोन से इसमें जाएगा और फिर इसके थ्रू कंप्यूटर में जाएगा। ये कॉस्ट पड़ी हमको $250 तकरीबन। हाँ जी, तो देर में भी एक चीपर सोल्यूशन है सर, $50 का। तो लड़का मिल गया, मैं दोबारा गया उससे पूछने कि जो हार्ड ड्राइव है उसको पावर चाहिए, तो उसने कहा पावर नहीं चाहिए, मगर आप करना क्या चाह रहे हैं? मैं बताया ये करना चाह रहा हूँ, तो उसने कहा एक और चीपर सोल्यूशन है, तो अब एक और दुकान है लंदन ड्राइव। $50 की एक मिल जाएगी USB, स्पेशलाइज्ड USB। तो जी फाइनल सोल्यूशन निकला ये ड्राइव, ये है 256 GB की ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, ये लाइटनिंग पोर्ट है, ये आपके फ़ोन में कनेक्ट होगा, मेरे फ़ोन में हो गया कनेक्ट, ठीक है। और मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की iXpand, उससे iPhone पे उसने रिकग्नाइज कर लिया, फाइल ट्रांसफ़र होगी 15 मिनट में, मेरे को पता नहीं 125 के करीब फाइल्स थी, 125 वो कनेक्ट हो गई। फिर ये है आपका USB, ये मैंने कंप्यूटर में लगाया, 10 मिनट में कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो गई फाइल्स, सिंपल एज दैट। और ये कॉस्ट पड़ी मुझे टोटल 114।